जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग श्री सिक्योरिटीज, जो कि फाइनेंस के सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक छोटी सी कंपनी है। हालांकि अभी छोटी सी कंपनी है, जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, बहुत जल्द ये कंपनी, चूंकि अभी पेन स्टॉक है, उसके बाद ये स्मॉल कैप श्रेणी में शिफ्ट हो जाएगी। और स्मॉल कैप से अगर ऐसे ही ग्रोथ चलते रहा तो बहुत जल्द ये कंपनी आपको मिड कैप श्रेणी की भी कंपनी आपको बनती हुई दिखेगी। तो किसी भी कंपनी का ग्रोथ ऐसे ही होता है, पहले कंपनी छोटी होती है, बाद में बड़ी होती है। आज रिलायंस का वैल्यूएशन जो देख रहे हैं 20 लाख करोड़ के आसपास है, वो अचानक से नहीं हो गया। पहले वो भी कंपनी छोटी थी, पहले एक समय ऐसा था जब उसका प्राइस ज्यादा समय नहीं, 3 साल पहले तक जाएंगे तो उसका प्राइस 800 रुपए के आसपास हुआ करता था, आज 3,000 के आसपास हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कंपनी की ग्रोथ होती है फ्यूचर में, लगता है कि इसके जो कंपनी काम करती है ये डिमांडेबल है और इसका फंडामेंटल भी समय के हिसाब से ग्रोथ कर रहा होता है, उसके शेयर प्राइस में तेजी आती है। तो ऐसे ही कंपनी है जिसका नाम है श्री सिक्योरिटीज, इसके बारे में समझेंगे। यदि पहले से आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको आगे क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है, नए व्यक्ति कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो लोग अभी तक चुक गए हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, इन सभी बातों को लेकर इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइनेंस का सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो जाहिर सी बात है, जो कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, इन्वेस्टमेंट तो करेगी ही कहीं, और इससे कंपनी का काम धाम होता है। साथ में कुछ छोटे, अब कोई भी कंपनी होती है, मेन बिजनेस के अलावा कंपनी में कुछ साइड में भी काम करते रहती हैं, तो वो उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जो मेन कंपनी का बिजनेस है उस पर फोकस करते हुए हम लोग वीडियो में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब समझिए, जब हम इस कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं तो सिर्फ 30 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन निकल के आता है। 30 करोड़ बहुत ही, पर हालांकि 30 करोड़ से भी कम के वैल्यूएशन वाली कंपनियां होती हैं, लेकिन 50 करोड़ के आसपास होती है तो उसे एकदम ठीक ठाक पेनी स्टॉक समझा जाता है। और जो कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ के आसपास आ जाता है, उसे एकदम सेफ जोन वाली पेनी स्टॉक को माना जाता है। तो ये कंपनी थोड़ा सा अभी रिस्की है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने कहा कि ग्रोथ हो रहा है, बहुत जल्द आपको 50 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन होते हुए दिखेगा, फिर एक सेफ जोन में ये कंपनी आ जाएगी। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन ओवरऑल सब चीज ठीक नजर आ रहा है इसमें। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी देखेंगे तो माइनस में है। ये देखिए, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 82% रिटर्न निगेटिव हो जाएगा साल भर में, ऐसा नहीं है। ओवरऑल निकाला जाता है आपका, देखेंगे तो धीरे धीरे जिससे आपका शेयर का प्राइस बढ़ने से मतलब होता है, शेयर का प्राइस यदि लॉन्ग टर्म में बढ़ता है निश्चित ही आपको बेनिफिट होगा। आप समझिए, 1 साल के चार्ट पर जब आप इस स्टॉक को देखते हैं तो आप पाएंगे कि अभी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, यानी कि स्टॉक कहीं ना कहीं इस रेंज से बाहर निकलने के लिए बेताब है और कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख भी रहा है। तो आपको जो नया व्यक्ति है क्या करेंगे, वो जैसे इसका प्राइस इस रेंज के ऊपर निकलेगा, ये जो 40 पैसा का लेवल है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सीधे आपका टारगेट इसके डबल ही, जो 55 पैसा है ना, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर आएगा तो 55 पैसा तक तो आएगा ही, और इसको मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं तो ये लगभग, ये जो आप रेंज देख रहे हैं इसके डबल तक ये जाता है, यानी कि आपका प्राइस कम से कम 1.5 रुपए तक आपके शेयर का प्राइस जाते हुए दिखेगा बहुत शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर निकलेगा तो। और जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उन्हें अभी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी इसमें बने रह सकते हैं तब तक जब तक कि उनका ठीक ठाक प्रॉफिट इस स्टॉक में ना हो जाए। और प्रॉफिट के लिए मैंने बता दिया कि इस रेंज से बाहर निकलने की जरूरत है, जैसे इस रेंज से बाहर निकलेगा प्राइस आपको इजिली 55 रुपए तक जाएगा और उसके बाद 1 से 1.5 रुपए तक कहीं टारगेट आपको दे देगा यहाँ से आप मिलाएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस ऐसे ही होता है और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए, कोई भी स्टॉक का होता है कि जब कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो प्राइस के नीचे आने की संभावना बहुत कम होती है, इसमें समय बिता के प्राइस आपको धीरे धीरे इसमें समय बिताने के बाद ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया कि चार्ट के माध्यम से स्टॉक में क्या होने वाला है। जब आप इस कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो पाएंगे कंपनी के पास डेब्ट बिल्कुल नहीं, एकदम डेब्ट फ्री कंपनी है। हालांकि यहाँ पे यह भी देखना होगा, कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा होता है वो देखेंगे तो इस बार 2024 में कोई भी कंपनी के पास रिजर्व पैसा नहीं, यानी फ्री कैश फ्लो नहीं है। हालांकि ये बहुत जरूरी होता है, किसी भी कंपनी के पास कुछ रिजर्व पैसा होना चाहिए, क्योंकि यदि कुछ बुरा वक्त आता है तो उसमें कंपनी अपने आप को सस्टेन कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 30 करोड़ जिस कंपनी का वैल्यूएशन है उसके पास कुछ एसेट्स नहीं होंगे या कुछ ऐसी इमरजेंसी फंड नहीं होंगे, होगा, लेकिन रिजर्व पैसा यहाँ पे नहीं है। तो इसको उतने घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जब आप इन्वेस्टर्स में आते हैं तो आप देखेंगे कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बहुत ही कम है, जो कि सामान्यतः पेनी स्टॉक में कोई नई बात नहीं है। पेनी स्टॉक में प्रमोटर्स बहुत कम होते हैं, ज्यादातर हिस्सेदारी जो होती है पब्लिक के पास होती है। तो यहाँ पर भी मेजर जो हिस्सेदारी है इसमें पब्लिक की है, और कह सकते हैं पब्लिक एक प्रकार से बाय सेल करके कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री सिक्योरिटीज लिमिटेड देखिए फाइनेंस के जगत से आने वाली कंपनी है, इसलिए मेरा इस पर पूरा विश्वास है। और विश्वास क्या है, जो काम इसमें सामने दिख रहा है, जो जिस हिसाब से कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल मैंने निकाला, उसके हिसाब से इसके शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट है तो बने रह सकते हैं, मन में कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।